धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का दिल डॉक्टर श्रीराम नेने पर आया और उन्होंने उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुना। दोनों की शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी माधुरी अपनी पहली डेट को याद कर कांप जाती हैं। दरअसल उनकी पहली डेट पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें वो बाल बाल बची थी। बताते हैं कि माधुरी की पहली मुलाकात श्रीराम से अमेरिका के लॉस एंजलिस में थी। दरअसल माधुरी के भाई अजीत अमेरिका में रहते हैं और श्रीराम उनके दोस्त हैं। अजीत ने ही माधुरी और श्रीराम की मुलाकात करवाई। श्रीराम माधुरी के बारे में कम ही जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि माधुरी एक एक्ट्रेस हैं। दोनों पहली डेट पर गए। इस डेट का किस्सा माधुरी ने एक इंटरव्यू में बताया था। पहले ही डेट पर श्रीराम ने उन्हें माउंटेन बाइकिंग के लिए ऑफर किया था। माधुरी ने पहले कभी माउंटेन बाइकिंग नहीं की थी, लेकिन श्रीराम के कहने पर वो बाइकिंग के लिए निकल गई। वहीं जब वो बाइक लेकर नीचे ढलान पर आने लगी तो उनका बैलेंस बिगड़ने लगा। माधुरी के मुताबिक वो बेहद घबरा गई थी और बाइक तेजी से नीचे आने लगी थी। उनके पति पीछे से उन्हें देखकर माजरा समझ गए और उन्होंने तेजी से आकर उन्हें संभाल लिया। बाद में श्रीराम ने माधुरी से पूछा कि क्या वे पहली बार बाइकिंग कर रही हैं? तब उन्होंने सच्चाई बता दी। श्रीराम ने उन्हें कहा कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। हालांकि लंबे समय तक माधुरी खुद को सामान्य नहीं कर सकी थी। बस जिस तरह श्रीराम नेने ने माधुरी को उस वक्त संभाला था, उसी तरह वो इतने सालों से उनके साथ खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए इनके रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है। माधुरी और श्रीराम के दो बेटे हैं। माधुरी आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उनके पति उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। खैर, आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।